यह है बांग्लादेश, बांग्लादेश कौन जगह है? बांग्लादेश नहीं मिला, बांग्लादेश पेज नंबर, पेज नंबर जल्दी ढूंढिए आप लोग लाइव वाले बाबू लोग। नहीं मिला, मिला तुम्हारा, मिल गया। भूटान, देखिए बांग्लादेश की राजधानी बीचों बीच में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी बीचों बीच में ढाका, मिला ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। जूट उद्योग के लिए ढाका और नारायणगंज प्रसिद्ध है। ढाका के पास एक और शहर मिलेगा नारायणगंज, देखिए ढाका के पास नारायणगंज, ढाका के पास नारायण, मिला ढाका के पास नारायण। जूट को हिंदी में पटसन कहते हैं, जूट को हिंदी में पटसन, जैसे कॉटन को हम लोग रुई कहते हैं, कॉटन को सूती को क्या कहते हैं? कॉटन। तो जूट उद्योग, कौन सा उद्योग? जूट उद्योग कहां पे है? ढाका में। जूट का बोरा बनता है जिसको भैंस को ओढ़ाया जाता है ठंडी के दिन में, हा? उड़ा दिया, पैर और पोछने के काम में आता है, चीनी उन्नी भर के लाया जाता है उस बोरा में, हा? सोन का बोरा, गेहूं वगैरह भर देता, आजकल तो प्लास्टिकों में भर देता है। तुम्हारा तुम बाल खरीद के लगाया है? हाँ वैसे ही है। चलो बढ़िया है। तुम लोग कौन सी देख रही है लोग उसको? अभी मना किए हैं, मत देखो लोग, तुम मत ध्यान देना इसे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? सबको तो अभी ध्यान दोगे तुम्हारा पटना आना व्यर्थ, और दो तीन जगह कभी मत जाना, घाट ये सब जगहों पे नहीं जाना तुम लोग, यहाँ पे तुमको भी हवा लग जाएगा। एनडीए स्टूडेंट को एटलस लेना होगा, कहे तुम स्पेशल है। बिना एटलस के आप एटलस क्लास क्यों कर रहे हैं? हाँ, बिना एटलस का, एटलस के क्लास में कोई फायदा नहीं है। जिस तरह बिना दुल्हा के बारात में कोई फायदा नहीं है, उसी तरह बिना एटलस के क्लास में कोई फायदा नहीं। जूट उद्योग के लिए नारायणगंज और ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका जूट के कपड़े वगैरह, जूट का बोरा बनता है, झोला बनता है, आजकल झोला वगैरह किसके बन रहे हैं? जूट के। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, बांग्लादेश जो है ना उसका कुछ एरिया नीचे की ओर भी है, इधर आप देखिएगा एकदम नीचे की ओर चटगांव मिलेगा, मिला चटगांव, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव, मिला नीचे की ओर मिलेगा, इधर कौन जगह है? चटगांव। हाइलाइटर लगाइए, जो जो जगह बोलते हैं उसमें सुगा कलर का हाइलाइटर लगाइए, कौन कलर का? सुगा कलर, देखे बबनी हाइलाइटर फेंको, फेंको उसको, इस कलर का हाइलाइटर लगाना है सबको, सुगा कलर। देखिए तुम लाल रंग का ले लिया, उस लाल रंग का ले लोगे तो ढाप देता है उसको, काला ले लोगे तो मिटाइए देगा उसको, किस कलर का लेना है? सुगा कलर का हाइलाइटर लेना है आप लोग, सुगा मतलब नहीं समझते लोग, तोता, सीबीएसई वाला उसको पैरट बोलता है। मिल गया चटगांव, चटगांव मिल गया। चटगांव बंदरगाह को चाइना लेने के फेवर में चल रहा था, भारत ने समझाया कि अरे भाई जो पैसा वैसा चाहिए बोलो हम दे देते हैं, काहे ले दे रहा है उसको। चटगांव के ऊपर देखें काक्स बाजार, चटगांव के ऊपर देखिए काक्स बाजार, मिला नीचे, नीचे चटगांव के नीचे काक्स बाजार, ऊपर नहीं नीचे, चटगांव के नीचे काक्स बाजार, चटगांव के नीचे काक्स बाजार। तो क्वेश्चन पूछेगा काक्स बाजार कहाँ है? बांग्लादेश। चटगांव बंदरगाह, नारायणगंज किस उद्योग के लिए? ढाका किस उद्योग के लिए? ढाका जूट उद्योग के लिए, ढाका जूट उद्योग, नारायणगंज और ढाका जूट उद्योग। देखिए जब पहले यह पूरा का पूरा बंगाल था, अंग्रेजों ने 1905 में इसे कर दिया पूर्वी बंगाल और इसे कर दिया पश्चिम बंगाल, क्या हो गया? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। कब हुआ? 1905। उसके बाद देश का विभाजन हो गया तो यह हो गया पूर्वी पाकिस्तान,
ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान 1947 में और 1947 में, और इसका हम लोग ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, जिन्ना दोनों ओर संभालता था, अपन देश संभालिए नहीं रहे, जिन्ना संभाल रहा। बताइए बौंका कैसे लिया था, आधा इधर लिया आधा इधर लिया था, आपने समझना गया। भारत को बड़ी टॉर्चर करते थे सब दोनों ओर से, इधर से भी, इधर से, इधर बड़का इधर छोटका। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो थे अजीब डिजाइन, मतलब मेंटेलिटी उनकी अजीब है। देखिए किसी के जाति धर्म रूप रंग से नफरत नहीं करना चाहिए। आप उसके विचार गलत हैं तो आप उसका विरोध कीजिए, विचार सही है तो आप कहें जिस जाति धर्म का हो या तो विचारों की लड़ाई होती है। हम चाइना से इसलिए थोड़ी नफरत करते हैं कि चाइना का धर्म कुछ और है या वो नास्तिक है या उसका आंख छोटा है, कभी हम लोग ये नहीं। हम लोग बस इसलिए कि हमारा अक्साई चीन कब्जा किया है, बस जिस दिन हम छोड़ा लेंगे हम चाइना से दुश्मनी छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान हम लोगों से नफरत अजीब ही है इनसे करता, उसको लगता है खुदा उसके साथ है, समझना अजब हाल है, खुदा उनके साथ। कोई भी आदमी अच्छा जगह जाएगा उनके साथ है, दुर्दशा का है तब। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझिए। तो ये इधर से टॉर्चर करता था दोनों ओर से पाकिस्तान। इंदिरा गांधी देखी कि इसको टपकाना जरूरी है, तो कैसे किया जाए, किसी देश को तोड़ना इतना आसान थोड़ी है। आपका कोई एक कट्ठा खेत ले लेगा तो आप छोड़ देंगे, जबकि ना आपके पास कुछ भी नहीं है, जबकि देश के पास आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, परमाणु बम सब चीज होता है, वो कैसे छोड़ देगा। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है, एक कट्ठा जमीन नहीं छोड़ता है, तन को नहीं छोड़ेगा यहां पर, और कैसे देश छोड़ देगा। अब क्या किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान ने खुद ही मौका दे दिया। पाकिस्तान कहा कि ये बंगाली सब, क्योंकि बांग्लादेश में भी बंगाल वाले थे, क्योंकि बंगाल तो था ही ना, 1905 में विभाजन कर दिया गया, इधर मुस्लिम ज्यादा रख दिया, इधर हिंदू ज्यादा रख दिया अंग्रेजों ने लड़वाने के लिए। लेकिन बंगाली समझदार थे, सब नहीं लड़े, सब बहुत समझदार बंगाली लोग, एकदम पढ़े लिखे थे लोग। अंग्रेज को कहा बदमाइश आर्मी लड़बो ना, खेला हो वो तो आमी लड़बो ना, झगड़ा ना करबोन, करबेन मतलब नहीं करेंगे, करबेन मतलब होता है इज्जत देने के लिए, कोथा जाबेन मतलब कहां जा रहे हैं, और कोथा जाबी कहां जा रहा रे मतलब छोटा को बोलता है कोथा जाबी, और बड़ा आदमी कोथा जाबेन, और कोथाई मतलब बातचीत, कोथाई करबेन ऐसे करके। अरे हम लोग के साथ एक दो को बंगाली था, सब झगड़ा करेगा तो बंगाली में करने लगता था, सब समझे में नहीं आता, बाद में कहते नहीं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसे ना बंगाली में को ऐसे नॉर्मल बोलेगा सब तो देखिए ये जो था ना पश्चिमी पाकिस्तान, इनका कहना था कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, 6-6 फीट के हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, गोरे हैं, इधर वाला बोलता था। और कहते ये बंगाली कैसा है, सब बांग्लादेश वाला, ये मतलब आपने बांग्लादेश उस समय बंगाली का होता था, बंगाली है, इनकी भाषा कैसी है, काले काले हैं, अजीब टाइप का बोला। ये कोई बात है भाई, कैसे भी रहे कोई, हम लोग साउथ इंडिया वाले को कहां कभी कुछ बोले, अरे हम लोग का कल्चर भी अलग अलग है, इवन कि हम लोग इडली डोसा आराम से खा रहे हैं, नहीं जाओ साउथ की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं, हम लोग कभी नहीं। वो चुट्टा अपने देश में कह रहा है कि बंगाली है, ये है वो है, उनको लगा मार नहीं कर भाई यहां से। चुनाव हुआ तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री का, उनको कहा गया कि आइए शपथ लीजिए, गए शपथ लेने के लिए, मुख्य राजधानी में ही नहीं जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया सब कि तू बंगाली को नहीं बनने देंगे। हद देखिए किसी देश में इतना अत्याचार होता है। अब बांग्लादेश वाला कहा सा कि चोट्टा कहीं का, जब तुम ना बनने देगा हम अलग देश रहेंगे यहां पर। अब बवाल हो गया वहां पे, इधर भारत सरकार चढ़ा दी गई एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना तुम्हारे पास बंदूक चाहिए बोलो, पूरा मौका मिल गया हम लोग को यहाँ पर, मुक्ति वाहिनी, हमें पाकिस्तानियों से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो मुक्ति वाहिनी। इतना होगा यहां से पाकिस्तान अपनी सेना भेजा, यहां से यहां पे सेना भेजा, और इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया,
ये चुट्टा सब कहा था कि इनकी नस्लों को सुधारने की जरूरत है। अरे ये अपने देश के नहीं हुए से दुनिया का क्या होंगे सब, यहां पर अपने देश की आर्मी इन लोग की। अब बांग्लादेश का लोग का खून खौल गया, कहा कि चुट्टा अब हम जिए ना जिए अलग बात है, लेकिन तुम्हारा जीने ना देंगे यहां पर। अब बांग्लादेश के लोग कहे कि हम मार डालेंगे इनको, मुक्ति वाहिनी बनाई गई। इधर इंदिरा गांधी बुलाई मानेकशॉ को, मानेकशॉ सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ पूरा नाम था उनका, हमारे सेना प्रमुख थे, शॉर्टकट में बोला जाता है मानेकशॉ। उनको कहा गया हमला कीजिए, वो कहीं 1971 अप्रैल 1971 कहीं हमला कीजिए, कहा ना करेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, कहा अप्रैल का महीना है, हमला करते करते 2 महीना बीत जाएगा, मई जून आ जाएगा बाढ़, आ यहां डूब जाएगा एरिया, इधर से लाएगी ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, आ इधर से गंगा लेके चलेंगे, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा, आप ये बरसात बीतने दीजिए। तो कहें कि तब सितंबर अक्टूबर कहां, सितंबर अक्टूबर में पनिया बरसना कम होता, पनिया कहां निकला होता, ठंडी आने दीजिए, पनिया सूख जाने दीजिए। इंदिरा गांधी कहे जल्दी करो भैया, मार करना है यहां पे। इधर मुक्ति वाहिनी को हम लोग क्या किए, पूरा मनोबल बढ़ाए, और पाकिस्तान की सेना यहां अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी, यहां के लोग एकदम त्रस्त हो गए थे कि हमको कुछ भी हो जाए ना जिएंगे मंजूर है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को साथ नहीं रहेंगे। यहां पर इतना बुरा हाल किया था सभी सब पाकिस्तान वाला यहां जाके। अब भारतीय सेना दिसंबर आया और तैयार हुई मारने के लिए, कहा कि आप तो हम लोग को क्या करना है, धोना है। चारों ओर से आर्मी क्या कर ली, घेर ली, चारों ओर से आर्मी घेर ली, और नेवी नीचे से चारों ओर से घेर लिया, और ऊपर से चलाई एयरफोर्स, ऊपर से आ गई एयरफोर्स। अभी हम लोग हमला नहीं किए थे, हम लोग हमला नहीं किए थे, बट हम लोग पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए। पाकिस्तानी नौ से देखिए हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने रोक लगा दिया था कि भाई माहौल खराब है, हम तुम्हारा जहाज जाने नहीं देंगे, पैदल जाएंगे तो यहीं पर बिरयानी बन जाएगा इन लोग का पैदल जाएंगे लोग पाकिस्तान वाले यहां पे। नेवी से जा रहे थे, इनकी नौसेना को हमारी नेवी यहां रोक दी। अब पाकिस्तान को लग गया कि जा ये बंगाली सब गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया। अब उस पाकिस्तान ने सोचा कि इससे पहले भारत हमला करे हम इधर हमला कर देते हैं और इतना एरिया कब्जा कर लेंगे कि बाय द वे भारत कब्जा भी करे तो ऑन द टेबल हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारा लौटाते हैं, तुम हमारा लौटाओ। यहां पर पाकिस्तान इतना खतरनाक चाल चला। अब उसको उसने इंटेलिजेंस मिला, भारत यहां सुरक्षात्मक मूड में था, उसको सूचना मिली कि यहां एक जगह है लोंगे वाला, कौन जगह है लोंगे वाला, वहां महज 120 फौजी खड़े हैं। कितने फौजी, 120 फौजी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन 120 को मारने के लिए उसने, उनको पता चल गया कि इनके बैकअप के लिए एयरफोर्स जो है जोधपुर है, रात में एयरफोर्स उड़ नहीं सकती थी उस समय, उस आज ना जीपीएस आ गया है, चल जाइएगा जीपीएस पे, आज ना उड़ जाए, जॉर्जियो में जीपीएस होता है, अरतिया में कौन सी का जीपीएस, जब जीपीएस नहीं था तो रात में नहीं उड़ सकते थे लोग यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहां से अपना 600 टैंक लेके चलाया और लगभग 5000 से 6000 के आसपास में फौज लेके चलाया, अब पूरी फौज लेके इसमें घुस गया और पहले ही हमला बोल दिया पाकिस्तान। अब जब पहले हमला पाकिस्तान बोला तो जंग तो जायज हो गई, अब कौन कह सकता है, पहले हमला किसने किया, पाकिस्तान, अब जंग तो हमारी जायज हो गई, अब जंग नहीं लड़ेंगे तो बुजदिल कहलाएंगे, मार के गए हो तुम, पहले मारते तब ना हमको आप कह सकते थे कि हमने हमला किया, हम तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो करने वाले, हम अपने देश में सेना का मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, अब तो जंग एकदम जायज हो गई। अब भारत ने ठोक दिया इधर से जंग, मार धर 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 पाकिस्तान का उड़ाना, राज्यपाल का घर उड़ा दिया गवर्नर हाउस उड़ा दिया, यहां पे उड़ा दिया भारत सरकार, अब बता के उड़ाया था कि आपका घर उड़ा देंगे, हट जाइएगा। ये होती है हम लोग की इंसानियत, हमें आर्ट से झगड़ा नहीं है, मारने बता के मारे थे हम लोग, कल उड़ा देंगे आपका गवर्नर हाउस, अब बता के मार, गवर्नर खाली कर गया, आप मार दिए लोग यहाँ पर, अब चलिए अब नहीं मारेंगे यहाँ पे, समझा गया कि नहीं, इतना जवाब, हमें दुश्मनी नहीं उनसे, हमारी जमीन की जमीर की लड़ाई यहाँ पे। तो पाकिस्तान इधर से क्या होने लगा, आ गया यहाँ पर, और ये एरिया में हमारे कितने जवान थे, 120, कितने जवान, 120 जवान थे। अब इन 120 जवान कभी लौट नहीं पाएंगे, वहां पे 100-150 से ज्यादा टैंक थे सब, मतलब पूरी 600 की टैंक बटालियन थी, आगे फ्रंट पे कितनी थी 100, अब हजारों फौज, रात में कैसे लड़ पाएंगे। तो मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे हट जाओ, क्या हो जाओ, पीछे हट जाओ। तब तक मेजर चांदपुरी किसी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पकड़ लिए थे, कहें बताओ तुम्हारा इरादा क्या था,
तो बताया कि रात में ये लोग जोधपुर तक घुस जाएंगे, जोधपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट तबाह कर देंगे क्योंकि रात भर ये लोग टैंक लेके चले जाएंगे और इस एरिया को कब्जा कर लेंगे। अब बाद में अगर भारत बांग्लादेश कब्जा करता है तो इस एरिया के नेगोशिएशन पे वो छोड़वाएंगे। चांदपुरी कहें कि हमारा पीछे हटना ना, पीछे ना हटेंगे हम, तो उस ऊपर हाईकमान से आदेश आ रहा तुम लोग 120 और सामने हजारों है तो कोई बात नहीं, सवा लखनऊ एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम बता। तो सवा लाख सिख लोग दे वहां पे, सवा लाख नु एक लड़ावा। अब उनको क्या किया गया इन टैंकों को रोकने के लिए, तो हमारे पास चार पांच ठोना एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस बहुत बड़े होते हैं जिसपे हजार बहुत टन वजन पड़ेगा ना, 400-500 kg का वजन पड़ेगा तब फटेगा, आदमी के दबने से नहीं फटेगा, वहां पे हाथी उथी चढ़ाइएगा तब फंसेगा। तो उन टैंकों उस एंटी टैंक माइंस को हम लोगों ने आगे बिछा दिया, अदू ये चार गो था, लेकिन उसके पिछवा ना खाना खाने वाला टिफिन गाड़ दिए लोग, खाना खाने वाला टिफिन अब बालू में ढक दिए, थार मरुस्थल है यहाँ पे। पाकिस्तानी टैंक आई धाम से उड़ गया, कहा है ये खब्बीसों ने तो टैंक लगा देखा है, तौबा तौबा खब्बीस मार दिया सब हमको। फिर आगे बढ़े सब, एक और उड़ दिया गया लाहौल वाला मार दिया यहाँ पाकिस्तान वाला, आगे बढ़ा कूड़े क्या कूदा मदद, अब मदद पूरा बर्बाद हो गया सब पाकिस्तान वाला। कहा इनको देखो ये क्या कर रहा है सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि भाई ये भारत वाले खतरनाक हो गया सब, ये जुल्म कर रहा है सब ये भारत वाला, इन खब्बीसों को बताना पड़ेगा। हम लोग को खब्बीस बोलता है अजब बदमाश। उनको कहा कि लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को बुलाओ। इंजीनियरों को बुलाया, कहा जितना टैंक है उसको निकालो। इन ससुरों को टिफिन निकालना था, टिफिन डर भी जरूरी है। सवाल जब आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ नहीं लड़ पाओगे, बावजूद वो डट गए थे जबकि एक भी टैंक नहीं था इनके पास, और उस रात भर टिफिन उड़ाने में लगा दिया, रात भर लगा दिया टिफिन। जब भोर हुआ ना भोर, तब पता चला ससुराई तो टिफिन है रे, मारो इनको। अब मारना चालू किए, तब मेजर चांदपुरी एयरफोर्स को आदेश दे दिए जोधपुर को, जोधपुर एयरफोर्स को कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस कह रहा है कि अभी भी यहां पर क्या हुआ है उतनी विजिबिलिटी नहीं है, हम उड़ेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, हमें एक घंटा और चाहिए। तो एक घंटा कोई बात नहीं, इनका ससुर इनको 2 घंटा रोक के रखते हम लोग यहाँ। मेजर चांदपुरी ने अपने पूरी फौज को बिछा दिया ज्यादा दूर तक में, और ये लोग एक बार में बोलते थे मतलब वाहेगुरु की जय, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अब इतना ज्यादा बोलते थे लोग पाकिस्तानी डर गया था, ना 120 नहीं है सब, इतना तेज आदमी बोलता है। अब जो बोले सो निहाल, अब मार धर 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 गोली चलाना चालू हुआ, आमने सामने की भिड़ंत हो गई, पाकिस्तानी सब मरने लगा सब, हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए सब, लेकिन 120 और सामने 6000 पाकिस्तानी की फौज और टैंक था आगे वहां पर, बम से उड़ाना चालू हुआ टैंक को। एक समय आया जब पूरा दिन हो गया तो दिख गए सब की तो भारतीय बहुत कम है, पाकिस्तानी टैंकों के पीछे छुप गए सब। अब टैंक पे बम मारिएगा तो इसे झाड़ देता है, कहते बम मारता हमको, उसके लिए HEMT आते हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, उसको असर ही नहीं कर, तो टैंक के पीछे छुप गए सब। अब टैंक आगे बढ़ने लगे, भी लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, और तब तक ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स। अब ये लोग टैंक के पीछे छुपे थे, लाइन से टैंक लगा के एयरफोर्स आई, लाइने से उड़ा दिया है, धर 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 पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए सब, ये पाकिस्तानी सब टैंक छोड़ के भाग गए सब। आज भी वो टैंक भारत में है, वो वार मेमोरियल में रखा हुआ, छोड़ के भाग गया सब। और उनका वायरल हो गया था रेडियो, रेडियो पे उन्होंने भेजा था कि जल्दी से री इन्फोर्समेंट भेजो, ये पाकिस्तानी मधुमक्खी की तरह हमें घेर लिए हैं सब। अब भाग गए सब यहां से। अब इधर भयानक बवाल हुआ, जोधपुर एयरबेस बच गया, हम लोगों के ऊपर से इंदिरा गांधी जो थी मानेकशॉ ने आदेश दिया कि पश्चिमी फ्रंट पे कोई लड़ाई नहीं होगी, केवल डिफेंसिव रहना है, बस उसको बचा के रखना है, इधर धोना चालू होगा। और इधर से मार धड़ाधड़ मार धड़ाधड़, मुक्ति वाहिनी इधर से थी और इंडियन आर्मी खुल के उतर गई, कह के मुक्ति वाहिनी आगे बढ़ो हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब मार धर धरा दी यहां पर पूरी तरह से इंडियन आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स पूरा तबाह कर दिया, और नीचे से नेवी मार के गर्दा उड़ा दिया यहां पे। इनकी आर्मी सब परेशान हो गया, यार इसे कहीं मारा जाता है, ऐसे थोड़ी मारा जाता, पूरा तबाही हो गया। और सबसे ज्यादा तबाही मचाया था हमारा INS विक्रांत। INS विक्रांत एक ऐसा जहाज था जिसके ऊपर एयरपोर्ट था, उस पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, उसमें लड़ाकू जहाज उतरते थे सब।
अब पूरा यहां लगा के खड़ा हो जाता था, अब समुंदर में एयरपोर्ट बन गया, लगा दिया पानी वाली जहाज, उसमें से जहाजें उड़ती थी, यहां से विक्रांत जो था पानी वाली जहाज विमान वाहक पोत इसमें से उतरती थी, बम मार देती थी यहां से, धड़ाधड़ उड़ा दी, काक्स बाजार उड़ा दी, चिटगांव उड़ा दी, ढाका उड़ा दी, नारायणगढ़ उजाड़ दिया, चारों ओर से उजाड़ दिया हम लोग। इधर आर्मी घुस गई, कौन बचल है रे धाए सुशीला तो नहीं मर यहां पर, चारों ओर से आर्मी, उधर मुक्ति वाहिनी वाला, अरे बाप रे, वो तो एकदम देखा था सब अपना घर उजड़ते हुए, घर के सामने से उन सब की बहन उनको उठा ले गया था सब। अरे उन सब जब कैंप बनाया था सब ना पाकिस्तानी सब, तो उमर पूछता था सब कैंप में, उमर 40 साल साइड रखो, उमर 25 इधर साइड रखो, वो लोग कैटेगरी बनाया सब, अपने अपने देश की महिलाओं को धज्जी उड़ा दिया सब। वहां बांग्लादेश वाले सब ना एकदम खार खाया था, कहा था पाकिस्तानी मिल गए लोग ना, अब पाकिस्तानी जहां देख लेते थे ना भारतीय सेना का वही मदद करता था, इंडियन आर्मी आबेन आबेन इधर आ इधर आ, बंगाली लोग हिंदी जानता है, ऐसा नहीं कि सब नहीं जानते, सब जानते हैं लोग, कुछ जो नहीं जानते टूटा फूटा जानते हैं, लेकिन जानते हैं। इंडियन आर्मी बताती थी कर्नल का घर है, कर्नल का घर है, अच्छा रुक रुक कर्नल का घर है, ले मामा ठाकुर उड़ा दिया यहां पे पूरा। अब पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा था कि कैसे आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो, आईएनएस विक्रांत को उड़ा दो, क्योंकि आईएनएस विक्रांत उड़ता ना तो इसमें 10,000 फौजी थे, पायलट थे, जहाज थे, मतलब इस बहुत एक जहाजिए कितना हैवी होता है, बम उड़ा देगा इसको तब तो। पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी, वो अमेरिका दिया था उसको पीएनएस गाजी, पीएनएस गाजी अमेरिका इस पनडुब्बी को दिया था, पीएनएस गाजी रवाना हो गई किसको मारने के लिए, विक्रांत, और पक्का आईएनएस विक्रांत को ये मार देती, उस समय की सबसे एडवांस पनडुब्बी थी कौन, पीएनएस गाजी, उससे जो पानी के नीचे रहता पता ही नहीं चलता, आके मार देगी यहाँ पे, अब बड़ा जहाज ऊपर से छुपा नहीं सकते, और अमेरिका उसको बता रहा था कि आईएनएस विक्रांत यहां है, जा 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 जा, और दहीने मुड़े बाएं, तब ले भारत उस सिग्नल में सुन लिया, कहा आ बाबू आ तू आ यहाँ पे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था है कहाँ पे, और पानी के नीचे रहती है नहीं पता चलता है, पानी के नीचे मछली पता कर लेंगे का समुंदर में कहाँ गई नहीं पता कर पाएंगे, अब क्या किया जाए, अब इसको मारने की क्षमता थी आईएनएस राजपूत के पास, आईएनएस राजपूत, देखिए पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, जैसे बिहार की गाड़ी के आगे बीआर लिखा होता है, यूपी के आगे यूपी लिखा होता है, वैसे नौसेना के आगे आईएनएस लिखा होता है, इंडियन नेवल शिप राजपूत, क्या था राजपूत, आईएनएस राजपूत खराब हो गया था, इसका इंजन में खराब था, अभी आगे ही नहीं बढ़ सकता था, अब इसका विशाखापट्टनम में मेंटेनेंस हो रहा था, अब लो अभी का मेंटेनेंस हो रहा था, पीएनएस गाजी चल दिया, तब क्या किया जाए, नौसेना कमांड ने आदेश दिया चुपचाप की विक्रांत को छुपा दो अंडमान निकोबार में, तो विक्रांत को अंडमान निकोबार में ले जाके लगा दिया, अंडमान निकोबार में बहुत सारा आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता वहां लगा दिया, जैसे नदी के किनारे आपका घाट होता है ना, तो देखिएगा नाव जहां लगती है घाटे पे लगती है, अब 2 किलोमीटर दूर कोना लगा देगा तो उन्हें कोई जेबे नहीं करता है, तो छुपा दिया आईएनएस विक्रांत को, और हल्ला कर दिया कि आईएनएस विक्रांत आ रहा, विक्रांत आया है विशाखापट्टनम पे, ऑर्डर कर रहा है 10,000 अंडा, खाने वाला अंडा, क्योंकि वहां पे हजारों सैनिक रहते हैं तो खाना पीना चाहिए, अंडा चाहिए, सेब चाहिए, फल चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, मार ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहा है विशाखापट्टनम पे, हर दुकानदार के ऊपर हड़कंप मच गया, अरे भाई चाहिए 20 क्विंटल गेहूं चाहिए, 100 क्विंटल अनाज चाहिए, ये चाहिए, कहा है, अरे नेवी का विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, और पाकिस्तानी जासूस भारत में भी घूमते रहते हैं, कह रहा है पाकिस्तान में फोन कर रहा है, सुन रहे हैं विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है, कहा विशाखापट्टनम आ रहा है, रुको हम इस 26 को बचाते हैं, हम तुरंत मैसेज किया किसको, पीएनएस गाजी को, कि विशाखापट्टनम मोड़ लो, आया है विक्रांत कहां पे, विशाखापट्टनम, इस ससुरा बहला मोड़ लिया विशाखापट्टनम में, अब वहां खड़ा देखो ना आईएनएस राजपूत, मार दिया आईएनएस राजपूत किसको, पीएनएस गाजी को, अब पीएनएस गाजी उधिया गया पानी के अंदर यहां पर, सोचिए जो इंजन जिस जहाज का खराब था उससे मार दिए दुनिया की सबसे एडवांस जहाज को, समझा गया, देखिए मारने का तो मार दिए हम लोग पीएनएस गाजी, अब पीएनएस गाजी था किसका, अमेरिका, अमेरिका का, हमारा तो घोर बेइज्जती हो गया, अखंड बेइज्जती हो गया किसका, अमेरिका का, अमेरिका कहा कि अब इसका हम बदला लेंगे, तो पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि देखिए हमारा बेइज्जती नहीं हो रहा है आपका भी बेइज्जती हो रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए, हाँ कल से आप ही को अब्बा कहेंगे हम हमको क्या कर लीजिए, बचा लीजिए, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आया, अमेरिका, अब हमारा तो पूरा युद्ध बदल गया भैया, अब हम लोग अमेरिका से कहां से लड़ेंगे 1971 में,
1971 में लड़ाई हो रही थी, अब हम लोग अमेरिका से कहां लड़ेंगे, इतना एडवांस देश है, आज वो कितना उसके, अब उस ससुरा अपना पानी वाला बेड़ा भेज दिया पनडुब्बी, उसके पास जो विमान बागपत था ना हमारे विक्रांत से चार गुना बड़ा था, और इसमें लदा हुआ था परमाणु बम, और इसके साथ लगभग 30-40 पानी वाली जहाज चलती थी, से साथ में पनडुब्बी थी, डिस्ट्रॉयड थी, फ्रिगेट थी, राशन वाला था, फ्यूल वाला था, पूरा ग्रुप था ही जहाजों का, और इसका नाम था सातवां बेड़ा, क्या नाम था, सातवां बेड़ा, किसने भेज दिया, इस ससुरा अकेले नहीं आता, 30-40 को लेके चलता है, पूरा फ्लीट चलता है यहाँ पे, एको पे खाली मिसाइलें लदल, एको पे कुछ लदल, पूरा का पूरा जिस जगह पे जाते हैं से तबाह कर देते हैं, सातवां बेड़ा इराक को उड़ा दिया, अकेले तबाह कर दिया, एक देश के लिए एक बेड़ा काफी है इसके पास, हम लोग के पास विक्रांत, अब तो हम लोग इंदिरा गांधी माथा पीट ली, इस ससुरा ई कहां से चला है, तब इंदिरा गांधी रूस को फोन की कि देखिए रूस याद कीजिए श्रीलंका में आपकी मदद किसने किया था, भारत, तो रूस ने कहा कि ये सब छोड़िए ना, जरूरत क्या है बताइए, कहा ऐसा है ना अमरीका सातवां बेड़ा लेके चल दिया, सातवां बेड़ा लेके चल, इन्होंने फिर अपने जहाजों के पूरे बैटल ग्रुप को भेज दिया यहाँ पे, कहा कि चलो इसका नाम था 40वां बेड़ा, अब इधर से चल दिया कौन 40वां बेड़ा, अब बताइए पास में कौन है, रूस पहुंच गया पहले 40वां बेड़ा, हिंद महासागर को ब्लॉक कर दिया, और जब ये पहुंच रहे हैं सातवां बेड़ा लेके, रूस कहा कि इधर जाना है मतलब हमसे पहले फरियाइए, रूस अपने ऑटोमेटिक मिसाइलों को ऑन करके छोड़ दिया, आप उसके रेंज में आइएगा मार देगा आपको अपने से, और उस समय रूस बहुत शक्तिशाली था, अमेरिका को भागना पड़ा, अमेरिका ब्रिटेन को भी लेके आया था, अब फ्रांस और सबको लेके आया था यहां पे, ब्रिटेन कह रहा वी आर टू लेट, TOO, ये निगेटिव सेंस में लिया जाता है इसको, वी आर टू लेट, हम लोग बहुत देर हो गए, अब पाकिस्तान कहा कि अब हमारा क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा नहीं जाने, अब तो PNS गाजी डूब गया, सातवां बेड़ा लौट गया, पाकिस्तान का मनोबल मर चुका था, अब भारतीय सेना पूरी तरह से तबाह कर दी, किसको, बांग्लादेश को, पूरी तरह से तबाह किसको कर दी, बांग्लादेश को।